कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल चटक। वाह नैना, आज तो तेरी किस्मत बड़े जोरों पर है। मैं कल ही गाँव चला जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। पागल हो गई है तुम? तुमने किसी को मारा भी है? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोई हक नहीं मानता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। अरे नैना, और कितना टाइम लगेगा रेडी होने में? बस आई। अरे बहू, राघव अभी तक नहीं आया? वो आ गए। मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। नाश्ता रेडी है क्या? हाँ हाँ हाँ। लेट हो गया। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। कौन सी नई बात हो गई? तुम तो वैसे भी रोज इसी टाइम पे आती हो। माँ जी, आप इसे बोला करो ना कि थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाए करे, मुझे भी रसोई में हेल्प करवा दे। इतना सारा काम मुझसे अकेले नहीं होता है। भाभी, क्या आप सुबह सुबह शिकायतें लेके बैठ गई हो? अब लग जाता है थोड़ा टाइम तैयार होने में, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। क्यों करे वो हर रोज एडजस्ट? अगर तुम सुबह थोड़ा जल्दी उठकर उसे किचन में हेल्प कर दो तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? प्लीज माँ, अब आप भी शुरू मत हो जाना। अरे बस करो तुम लोग, मैं घर को लड़ाई का मैदान बना दिया है। हो गया खाना मेरा, भेज देना खाना क्लिनिक पर। अरे बेटा, कुछ खा कर जाओ। खा लिया माँ, भेज दूंगा मैं सूरज को, उसके हाथों भेज देना। देखा, आज फिर से वो नाश्ता कर नहीं गए। माँ जी, इसका ना रोज का नाटक हो गया है, रोज मूड खराब करती है ये। भाभी, सारी गलती ना आपकी है, जब देखो तब शिकायतें लेके बैठ जाती है, माँ अभी कुछ नहीं कहती। अरे बस करो, बस करो। बहू, जाओ तुम राघव का टिफिन पैक करो, और तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना, अपना नाश्ता पूरा करो। अरे घर जल्दी आ जाना। सूरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया का टिफिन लेने जा रहे हो? हाँ नैना जी, आपको देखा तो आगे बढ़ाने गया। वैसे बहुत अच्छी लग रही हैं आप आज। थैंक यू। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। मेरे लिए? ये तो वही है ना जो वो अभी आई हुई फिल्म में हीरोइन ने पहना था। हाँ, खास ढूंढ के निकाला आपके लिए। कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल चटक। थैंक यू। अच्छा तुम जाओ, भाभी वेट कर रही होंगी तुम्हारा। बाय। क्या बताएं अम्मा,
हमारी तो ये ननद है ना, इसकी शादी हो जाए ना तो हमारी तो जिंदगी की सारी मुसीबतें ही खत्म हो जाएंगी। पर बेटा अभी तो समय है उसकी शादी में, तब तक तो झेलना ही पड़ेगा ना। पर अम्मा वो है ना, एक चम्मच भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखती है, सारा दिन हमें ही सारा काम करना पड़ता है। फिर करती क्या है वो? क्या करती है वो? सारा दिन है ना शॉपिंग, कपड़े पहनना, फैशन करना, नाचना, बस इसके अलावा कुछ आता नहीं है उसे। अम्मा हम आपसे बाद में बात करते हैं। अम्मा से बात कर रही थी? हाँ। इतनी रात को भी अम्मा से बात, आखिर इतना भी क्या जरूरी था? वैसे भी सारा दिन तो मैं घर का काम करती रहती हूँ और समय ही नहीं मिलता अम्मा से बात करने का, तो सोचा बस आज बात कर लेती हूँ। कर लिया करो, किसने मना किया? ऐसा है कि रात के समय पर पति का हक होता है, अम्मा का नहीं। हुँ? अच्छा आज तो बड़े मूड में लग रहे हो। अब कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है, अब इतने अच्छे मौके कोई हाथ से जाने देगा? कितनी सुंदर ड्रेस है, बहुत प्यारी लग रही है। ऑनलाइन चेक करती हूँ। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। सुहाना के पोते में ना मैं ये ड्रेस पहन के जाऊंगी। कितने की है? 2000 की है। मेरे पास तो बस 200 रुपए है, क्या करूं? भैया से मांग लेती हूँ। भैया मुझे 2000 देना ना प्लीज। 2000 किस लिए? ये ड्रेस देखिए कितनी प्यारी है ना, मैंने ये अपनी फेवरेट हीरोइन को एक फिल्म में पहनते हुए देखा है। मुझे ड्रेस लेना है भैया प्लीज। इस ड्रेस के लिए तुम्हें 2000 रुपए चाहिए? हाँ भैया, वो सुहाना की बर्थडे पार्टी है ना, उसमें मैं यही ड्रेस पहन के जाऊंगी। लाइए दीजिए। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा भाई रोज मर मर के पैसा कमाता है, 2-4 घंटे क्लिनिक सिर्फ इसलिए ज्यादा खोलता हूँ ताकि कुछ पेशेंट्स आ जाएं, ये घर चल जाए, और तुम्हें एक ड्रेस के लिए 2000 रुपए चाहिए? इतना भड़क क्यों रहे हो? कौन सा इतना बड़ा अमाउंट मांग लिया मैंने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हर महीने के फालतू खर्चे पता है मुझे तुम्हारे, सारी पॉकेट मनी केवल शॉपिंग में उड़ा देती हो। पहले मैं ये सोच के इग्नोर करता रहा कि तुम छोटी हो, बच्ची हो, तुम्हें अकल आ जाएगी, पर अब तो ये पागलपन सर पे चढ़ गया तुम्हारे। नैना तुम्हारा भाई छोटी मोटी क्लिनिक चलाता है, कोई शॉपिंग मॉल नहीं। आज के बाद 1 रुपया तुम्हें नहीं मिलेगा, समझ गई तुम? जाओ यहां से, जाओ। सही किया आपने, इसके ना ज्यादा ही पर निकल गए हैं, पूरी कबड़ भरी है कपड़ों से, लेकिन हर दिन इसे नई नई शॉपिंग करनी होती है। आग में घी डालने का काम मत करो, देर हो रही है, क्लिनिक जा रहा हूं। दो हजार रुपए नहीं दे सकते, अब मैं अपनी ड्रेस कहां से खरीदूंगी? नैना कुछ कर। नैना शुरू हो जा, मुसीबत आने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये क्या है? क्या हुआ नैना जी, आप रो क्यों रही है? सूरज देखो ना, मुझे एक ड्रेस पसंद आ गई है और मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई, और भैया से बार बार पैसे मांगने अच्छा भी नहीं लगता, अब मैं वो ड्रेस कहाँ से लाऊंगी? बस इतनी सी बात बताइए, मैं दिला देता हूँ। सच? तो लो 2000 रुपए जल्दी। 2000? क्यों, अब तुम मेरे लिए 2000 भी नहीं दे सकते? नैना जी ऐसा नहीं है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको अगले महीने की सैलरी आते ही दे दूंगा पक्का। सूरज क्या कर रहे हो? ये लो भैया का टिफिन, उन्हें भूख लगी होगी, जाकर दो।
और आप महारानी जी बर्तन निकाल दिए हैं रसोई में, जाकर उन्हें लगा दो और हाँ डस्टिंग भी कर देना। आज तो तेरी किस्मत बड़े जोरों पर है, इनका तो हो गया। नैना, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अरे आप ही ने तो कहा था डस्टिंग करने, अब कर रही हो तो कह रहे हो क्या कर रही हो? ठीक है एक काम करो, उस कोने पे भी कर दो। अब जितनी करनी थी ना मैं कर चुकी हूँ, बाकी खुद कर लो। एक नंबर की काम चोर है ये लड़की। देखते ही रहोगे या अंदर भी आओगे? आपने अचानक से बुलाया तो मैं भागा चला आया। कहिए ना, कुछ काम था? काम तो है, और वो बस अब आप ही कर सकते हो। बताइए ना, आपके लिए तो कुछ भी कर जाएंगे। वो सूरज, हमको 2000 रुपए चाहिए थे। नैना जी, बताया था ना आपको, 2000 रुपए आपको दे दूंगा अगले महीने की सैलरी आते ही। अभी इतने पैसे है नहीं हमारे पास। अब नहीं है तो फिर ले आओ। अब आप क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन मजबूर है। मजबूर मत बनो, हिम्मत करो, जो चाहिए। सोचा नहीं था कभी कि ऐसा भी दिन आएगा। बस अपना ही देख रहे थे, पर जानकर अच्छा लगा कि आप भी हमें उतना ही पसंद करती हैं। पसंद तो हम करते हैं, लेकिन अब आपको हमारी दूसरी खुशियों का भी ख्याल रखना होगा। रखेंगे ना, जल्दी तुम्हारे लायक बनूंगा। वो तो जब होगा तब होगा। अब मुझे कहीं से भी ना पैसे ला कर दे दो। कैसे और कहां से? हेयर के क्लिनिक से। अब वह इतने पेशेंट्स आते होंगे तो उसी में से 2-3 हज़ार रुपए निकाल कर मुझे दे दो। यानी अब हम चोरी करें? इसे चोरी करना थोड़ी कहते हैं बुद्धू, इसे तो अपना प्यार साबित करना कहते हैं। और जब तुम्हारी सैलरी आएगी तो तुम वापस रख देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अपने प्यार के लिए मतलब मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते?
नैना, कहाँ जा रही हो तुम? और ये ड्रेस तो वही है ना जिसके लिए तुम उस दिन भैया से पैसे मांग रही थी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? पर ये ड्रेस तो 2000 रुपए की थी ना, तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आ गए? अब हर बात आपको बताना जरूरी है क्या? अरे उसे नहीं तो मुझे बता, पैसे आए कहाँ से? हम तो तुझे इतने पैसे देते नहीं है, ना ही तू कमाती है, तो फिर ये ड्रेस दी कैसे? माँ, मेरी सहेली है ना, उससे मुझे ड्रेस गिफ्ट किया। वो क्या है कि अब आप लोग तो मुझे पॉकेट मनी देते हो नहीं, और उसकी फैमिली उसे अच्छी खासी पॉकेट मनी देती है, समझे? अच्छा माँ, मुझे अपना पार्टी में लेट नहीं होना है, तो मैं चलती हूँ। बाय। माँ जी, मुझे है ना दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। ऐसे दोस्त तो हमारे कभी नहीं बने जो हम पर पैसा लुटाए। इसको कहाँ से मिल जाते हैं? नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या? मतलब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे मुझे सीसीटीवी फुटेज देखना है बस। अरे ऐसे कैसे साहब नहीं मिल रहा, पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा। मुझे फुटेज देखना है सुबह बस। क्या हुआ, आप इतना टेंशन में क्यों हैं? टेंशन नहीं होगी, क्लिनिक से पैसे गायब हैं। मां पूरे 2000 रुपए। ऐसे कैसे हिसाब नहीं मिल रहा है? वो सूरज है ना, वो तुम्हारे अलावा भी तो अकाउंट चेक करता है, उससे बात करो। माँ, मैं सूरज से ही बात कर रहा था, अब सुबह फुटेज देखूंगा तब पता चलेगा। मुझे पता है पैसे कहाँ गए और किसने चुराए हैं। किसने? नैना, आ गई तुम? अब तुम आ गई हो तो अपने भैया को बता दो तुमने ये 2000 रुपए वाली ड्रेस कहाँ से ली। मैंने कहा तो था आपको मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया। कहीं तुम्हारे दोस्त का नाम सूरज तो नहीं? बहू, ये क्या कह रही हो? हाँ माँ जी, मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने सूरज को और इसे कई बार बात करते हुए देखा है, और आज इसने भी 2000 रुपए वाली ड्रेस पहनी है, और इनकी क्लिनिक से भी 2000 रुपए गायब है। ये अजीब सा इत्तेफाक है ना? भाभी बहुत हो गया, मुझे नीचा दिखाने के लिए आप मुझे चोर बोल रही हैं। मैंने कहा ना मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है, चाहिए तो आप बात कर लीजिए, मैं लगा लेती हूँ कॉल। हाँ हाँ, लगाओ लगाओ। बस करो, जाओ तुम ऊपर। देखो मैं जानता हूँ कि तुम नैना को पसंद नहीं करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर कुछ भी घटिया इल्जाम लगाओगी। बहन है वो मेरी, इतना घटिया काम वो कभी नहीं कर सकती। राघव, बस इस बारे में अब यहाँ और कोई बात नहीं। बहू, जाओ तुम खाना लगाओ। समझ में नहीं आ रहा इस घर में चल क्या रहा है। बहू का तो मुंह तुमने बंद कर दिए, पर आगे तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना? डरा ही दिया। डरना जरूरी है, तुम्हारे भैया ने मुझे सुबह क्लिनिक से निकाल दिया। क्या? क्यों? अरे उनको शक है कि चोरी मैंने ही की है। सीसीटीवी तो बंद किया था ना, तो उन्हें कैसे पता चला? अरे पता नहीं, आज सुबह आए और मुझे बोले कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस केस कर देंगे, बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। ये बेवकूफ अब मेरे किसी काम का नहीं बचा, इसे पीछा छुड़ाना होगा। सुनो, मैं क्या कहती हूँ, पुलिस में कंप्लेंट से बेहतर है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले जाओ, जब तक यहाँ माहौल भी ठंडा हो जाएगा, फिर तुम वापस आके भैया से माफी मांग लेना, वो तुम्हें काम पर भी वापस रख लेंगे। हाँ, ये नैना के कमरे से आवाज किसकी आ रही है?
शायद आप सही कह रही हैं, पर इतने दिन तुम मेरे बगैर रह लोगे? हाँ, अब तुम्हारा इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना, तुम जेल जाओ उससे तो बेहतर है ना। नहीं नहीं, मैं कल ही गांव चला जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। इतनी रात को तुम किससे बात कर रही हो? बातें? किसी से भी तो नहीं। अरे मैं तो अपना लेसन याद कर रही थी, क्या हुआ? भला टली, शॉपिंग के पैसे कहां से लाऊंगी? हाँ श्रुति बोल। नैना मुझे ना तेरी हेल्प की जरूरत थी। मैं ना 2 महीने के लिए केरला जा रही हूँ अपने घर। मम्मी पापा ने जिस गार्ड को रखा था ना, उस गार्ड की ना इमरजेंसी आ गई है, तो वो घर जा रहे हैं अपने। और मम्मी पापा घर को ना 2 महीने के लिए अकेले नहीं छोड़ना चाहते। तो तू क्या 1-2 हफ्ते में एक बार घर के चक्कर काट लिया करेगी क्या? हाँ, तू टेंशन मत ले, मैं रोज शाम को पढ़ाई करने तेरे घर ही चली जाऊंगी, ध्यान में रख लूंगी, ठीक है? चल यार, थैंक यू सो मच। मैं ना तुझे कल कॉलेज में चाबी देती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, डन, बाय। मेरी दोस्त का ये घर अब बनेगा मेरा शॉपिंग का अड्डा। नैना अग्रवाल, उनका पार्सल है। जी मैं ही, बुलाइए। मैम कैश ऑन डिलीवरी है, सो पैसे? हाँ मैं जानती हूँ, आप आइए ना, अंदर आइए। नहीं ठीक है मैम, आप पैसे दे दीजिए। अरे आप शर्मा क्यों रही, आइए। पैसे तो नहीं है। मतलब पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर बाकी और बहुत कुछ है। नैना एक मिनट, तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो? भाभी मैंने बताया तो था कि मैं रोज श्रुति के घर पे पढ़ाई करूंगी और रात में देर से ही आऊंगी। और ये पार्सल, ये भी श्रुति का है? ये अरे
रोज रोज शॉपिंग करती कहाँ से हो? इतने पैसे आ कहाँ से रहे? क्या चल रहा है? आप ना अपने काम से काम रखिए और मेरी जासूसी करना बंद कीजिए। बदतमीज, ऐसे बात करते हैं बड़ों से? और क्या गलत पूछ लिया बहू ने? तेरा भाई यहाँ दिन रात मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए, फिर भी पूरा नहीं पड़ता, और तू रोज नई नई शॉपिंग कैसे करती है? पैसे कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास इतने? जब आपसे या भैया से पैसे मांगूंगी ना, तब मुझसे ये सवाल करना। माँ जी, मैं बता रही हूँ कि नैना ना हाथ से निकलती जा रही है। कल कुछ पूछ नीछ हो गई ना तो कोई रिश्ता नहीं आएगा इसके लिए। संभाल लीजिए आप इसे। सही कहा नैना, आज कॉलेज में सबका मुंह देखने लायक था। तेरे ब्रांडेड कपड़े सबके मुंह बंद कर देते हैं। मानना पड़ेगा, तेरे भैया तेरे सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं और एक मेरी फैमिली है, पैसे भी गिन के देते हैं। कुसुम, सच कहूँ तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जुगाड़ भी खुद ही लगाना। मतलब तुम नहीं समझोगी। अच्छा, वो फैशन शो कब है? अगले हफ्ते। और सबका कहना है कि फैशन शो तुम ही जीतोगी। ऑफ कोर्स, आई मीन मैंने तो डिसाइड भी कर लिया है कि मैं फैशन शो में क्या पहनूंगी। बताना मुझे भी क्या। अरे सरप्राइज है भाई, नैना का लुक फैशन शो का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा, देखना तुम। नैना, कुसुम तुम चलो, मैं कल मिलती हूँ, ठीक है? बाय बाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कब आए? मुझसे तुम्हारे बगैर रहा नहीं गया, इसलिए मैं वापस आ गया। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, पर यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था। भैया का गुस्सा अब तक कम नहीं हुआ है। मैं नहीं जाऊँगा भैया के सामने, बस तुमसे मिलूंगा। कुछ टाइम बाद जब सब ठीक हो जाएगा तभी क्लिनिक जाऊँगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे घर पे कुछ काम है। अरे अभी तो मिले, चलो ना चौराहे पर गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे? अभी चौराहे पर? तुमने सोच भी कैसे लिया मैं चौराहे पर गोलगप्पे खाऊंगी? जब रेस्टोरेंट में जाने के पैसे आ जाएंगे ना, जो फोन कर दे। हेलो। हेलो मैम, मैं कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपका पार्सल था। मैं आधे घंटे में आपके एड्रेस पे पहुँच जाऊंगा मैम। कोई तो होगा ना घर पे? हाँ हाँ हाँ, मैं होंगी ना घर पे। आप पहुंचे। फाइनली मेरी ड्रेस आ गई। चल नैना, अब जल्दी से एड्रेस पे पहुंच जा अपना कुरियर लेने के लिए। इसका कुरियर किसी और एड्रेस पे, ये क्या मामला है? मिस नैना। हाँ। ये रहा आपका पार्सल। थैंक यू। 3600 रुपीज में। इतनी जल्दी क्या है? अंदर आइए ना, मैं देती हूँ आपको। अरे आइए, क्या सोच रहे आइए। आइए ना, आइए आइए, कम कम आइए। 3600। इतनी भी जल्दी क्या है? जितने का ये ड्रेस नहीं होगा ना, उससे कई सारी खुशियां मैं आपको दूंगी। आपको मेरा साथ देना होगा। ये क्या कर रही हैं आप? मुझे पैसे दीजिए, मुझे जाना है। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तो? अच्छा, अब समझ में आया। कैश ऑन डिलीवरी सामान मंगाकर
डिलीवरी बॉय को फंसा कर सारा सामान फ्री में ले जाना चाहती हो। वाह, आपकी सोच की तो दाद देता हूँ मैडम, पर मैं उन डिलीवरी बॉय में से नहीं हूँ। मुझे पैसे दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा, और पैसे नहीं है तो ये पार्सल मैं वापस लेकर जा रहा हूँ, और साथ में आपकी कंप्लेंट भी करूँगा ताकि ये खेल दोबारा हमारी कंपनी के साथ ना खेल सको। मेरी कंप्लेंट करेगा हाँ? मेरा पास लेके जाएगा तू? तुझे बोला तो मैंने जो करना है कर दे, लेकिन नहीं, तो ईमानदार है, तुझे कंप्लेंट करनी है अब कर कंप्लेंट। मुझे फैशन शो जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आया बड़ा, इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। नैनानी को खून कर दिया, मैं माँ जी को बता देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इनको बता, नहीं अगर मैंने इनको बता दिया तो वो मुझे भी मार डालेगी। नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं ऐसे करूँगी कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। क्या करती मुझे? अरे क्या हुआ श्रेया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, आप कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। उसे क्या हो गया? अरे वाह, मेथी की सब्जी, मजा आ गया। अरे नैना, आज इतना लेट कैसे? वो क्या है ना भैया, श्रुति के घर में पढ़े बहुत अच्छे से हो जाती है, टाइम का पता ही नहीं चलता। चलो ठीक है, आप खाना खा लो। हाँ भाभी, सब्जी। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है? क्या हुआ तुम्हें, बदले बदले लग रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, मैं आती हूँ। तो क्या हो गया है, तुम्हें पता है कुछ? तुम दोनों खाना खाओ, मैं उसका खाना उसके कमरे में दे दूंगी। ये ठीक रहेगा माँ। ये इतनी आराम से खाना कैसे खा सकती है, इसने तो खून किया है, माथे पर जरा भी शिकन नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? कैसी है मैडम, बहुत दिन बाद दिखे। बोलो क्या हुआ? अपना हिसाब बाकी था ना, इतने महंगे सामान के बदले में एक बार में तो होगा नहीं ना, एक और बार बनता है। ठीक है, तुम्हें पता है कहाँ मिलना है, लेकिन हाँ ये आखिरी बार होगा। ठीक, नैना! सूरज!
मैं जब से आया हूँ तुम रोज कॉल करता हूँ, मेरा फोन उठाने की वजह तुम यहाँ पे एक डिलीवरी बॉय के साथ। हाँ, ये डिलीवरी बॉय मेरे काम का था और तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, समझे? मतलब कि ये डिलीवरी बॉय मुझे महंगे महंगे पार्सल फ्री में ला कर देता है और बदले में हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, इसमें गलत क्या है? तुम इन फालतू चीजों के लिए अपने जिस्म को बेच रही हो और पूछते हो गलत क्या है? सबका अपना अपना नजरिया है, कुछ गलत नहीं है। और हाँ, निकलो, मुझे घर जाना है, लेट हो रहा है। रुको, इतनी गिरी हुई लड़की हो तुमने ना, मैं अब भी जाके सब राघव भैया को बता दूंगा, वही तुम्हारी खबर लेंगे। सुनो यार, देखो सूरज, तुम अपने काम से काम रखो ना, तुम मेरे बीच में क्यों आ रहे हो? हाँ, और हाँ, ऐसे करते कि मैं भैया से कहकर तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस दिला देती हूँ तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा। हा? नहीं चाहिए कोई नौकरी और ना ही तुम्हारा कोई एहसान, बल्कि मैं आज ही सब जाके राघव भैया को बता दूंगा ये भी कि वो पैसे मैंने ही चुराए थे, वो भी तुम्हारे कहने पर। फिर देखते हैं कि भैया किसका साथ देते हैं। सूरज शांत हो जाओ। सूरज ये कौन है? तुमने किसी का खून भी किया है? नहीं नहीं, अच्छा हुआ तुमने देख लिया। सूरज, हम साथ है ना, तो हम साथ मिलकर ना इस लाश को ठिकाने लगा देते। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसे करूंगी, मैं सब छोड़ दूंगी, ठीक है? पागल हो गई है तुम? तुमने किसी को मारा भी है? मैं अभी सब जाके पुलिस को बता दूंगा। वो सुन नहीं रहा था इसलिए उसे मारना पड़ा, अब तुमने सुन रहा तुम्हें भी मारना पड़ेगा। दो लाश हो गई है, दोनों को ठिकाने लगाना होगा। भाभी एक रोटी देना। क्या बात है, इतना घबरा क्यों रहे हो? सब ठीक ना? मैं भी कुछ दिनों से तुम्हें देखा हूँ, वैसे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कैसा चल रहा तुम्हारा कॉलेज? बढ़िया। और तुम्हारी शॉपिंग? अच्छा भैया, 3 दिन के बाद मेरे कॉलेज में फैशन शो है और आप सबको आना है। पर तूने इसमें हिस्सा क्यों लिया? अब फिर कपड़ों का खर्चा बता देगी। माँ, पैसे नहीं चाहिए, बस आप लोग आ जाना, ठीक है? भाभी आप भी। नैना अग्रवाल यहीं रहती हैं? प्लीज प्लीज आप अंदर आइए जी। प्लीज नैना, क्या आप किसी श्रुति सिन्हा को जानती हैं? हाँ सर, मेरी दोस्त है। हमें उनके घर से आज 2 लाशें बरामद। लाश? जी, आज शाम उनके पड़ोसियों ने घर में आ रही बदबू की वजह से कंप्लेंट की थी। हमने जब जाकर देखा तो वहां 2 लाशें। हमने श्रुति और उसकी फैमिली से बात की तो पता चला कि पिछले 20 दिनों से वो यहाँ पर नहीं है और उनके घर की चाबी आपके पास है। हाँ सर, चाबी तो मेरे पास है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। आप जरा ये फोटो देखिए, क्या आप लोग इन दोनों को जानते हैं? सर ये तो सूरज है। माँ, सूरज कौन? सर मेरी क्लिनिक पे काम करता था, लेकिन 1 महीना पहले ही मैंने इसे निकाल दिया। लेकिन क्यों? पैसे चोरी हो रहे थे सर, हिसाब ही नहीं मिल रहा था। लेकिन ये बाहर चला गया था गांव 1 महीने के बाद, कब आया और ये खून समझ में नहीं आएगी। फिलहाल हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। ये दूसरा लड़का डिलीवरी में काम करता था, हमने इसकी कंपनी में कांटेक्ट किया है डिटेल्स पता करने के लिए, साथ ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शहर से बाहर मत जाइए, फिलहाल चलते हैं। नैना, ये जो अभी इंस्पेक्टर पूछ रहे थे,
क्या तुम्हें सच में नहीं पता कुछ? भैया आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं सच में कुछ नहीं जानती। ठीक है। उस डिलीवरी बॉय की तरह मुझे लगता है सूरज को भी इसी ने मारा है। मुझे ना पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन अगर मैंने पुलिस को बता दिया तो कल इसने मुझे भी मार दिया तो नहीं नहीं मुझे पुलिस को बताना चाहिए। क्या बताना है पुलिस को? क्या बताना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने उन दोनों को मारा है? बोलो। नहीं देखा मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने नहीं देखा मतलब कि तुम मुझ पर नजर रख रही थी? पर अफसोस तुम्हारी ये नजर ना कुछ देखने के लिए अब बचेंगी ही नहीं। इसके पहले कि तुम मेरी ये सच्चाई घर वालों को और पुलिस को बताओ, मैं तुम्हें जान से मिलती हूँ। नहीं आजी, रागु, और जोर से चिल्लाओ। कोई है ही नहीं तुम्हारे सुनने वाला। बहुत हो गई तुम्हारी फिट। काफी रात हो गई। हाँ। ये बहू की आवाज है। बहू क्या गेट खोलो। क्या हो रहा है? जाने हमें फोन किया था, क्या हुआ? सर चीखने की आवाज आ रही, गेट नहीं खोल रही, प्लीज कुछ कीजिए। श्रेया तेरी लाइफ खत्म, तेरी रोज रोज से खिटखिट और किस-किस ना, अब मुझे नहीं चाहिए। आप भी चढ़िए। यस सर। दरवाजा खोलो। काकू नीचे, खुला से, पीछे रो, पीछे रो। ठीक हो? तुम ठीक तो? क्या हो रहा था यहाँ पर? इंस्पेक्टर सर, यही है उन दोनों की कातिल। उस डिलीवरी बॉय को भी इसी ने मारा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। शॉपिंग का भूत इस पर इस तरह चढ़ गया था कि ये डिलीवरी बॉय वालों के साथ भी सोने लग गई थी, ताकि वो इसे सब कुछ फ्री में दे। डिलीवरी बॉय ने मना कर दिया तो इतनी घटिया है तू, इतनी घटिया कि कपड़े और फैशन के लिए तू लोगों की जान तक ले लेगी? शर्म नहीं आई? भगवान से तो डरती। सूरज को क्यों मारा बोलो? सूरज को सब कुछ पता चल गया था, उसने मेरे कहने पर भैया के क्लिनिक से चोरी की थी और वो मुझे धमकी दे रहा था कि वो सब कुछ बता देगा। मैं उससे मारना नहीं चाहती थी, पर गलती से वो गलती से मार दिया। मैंने तुम पर विश्वास किया था। मैंने सर ले जाइए इसे आप। चलो भैया